हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देसी नुस्खा बताने जाएंगे आपको खांसी के बारे में। खांसी भी दो तरह की होती है, एक आपको सूखी खांसी है और एक कफ वाली खांसी होती है जिसमें कि आपको बलगम वगैरह भी आता है। दोनों का इलाज बताएंगे आपको। आप इसको देसी नुस्खा है, आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आयुर्वेदिक है इसलिए आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। देखिए, सूखी खांसी बेसिकली क्यों आती है, क्योंकि आपका ये जो गला है ये सूखा हो जाता है, इस वजह से है। तो सूखी खांसी में एक रामबाण इलाज है, आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन आपके घर में होती है उसको भून लें, तवे पे भून सकते हैं, हल्का भून दें, ज़्यादा नहीं है, उसको जलाना नहीं है, हल्का सा भून लें उसको, फिर पीस लें, चकले बेलन पर आप पीस सकते हैं। उसके बाद उसमें सिंपल टाटा सॉल्ट, जो नमक आम सब्जी वगैरह में डालने में यूज़ करते हैं, वो आपने ऐड करना है उसमें, थोड़ा सा ऐड करना है जो कि आप उसमें मिक्स करके खा सकें। नमक बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि कई बार बीपी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं तो नमक उनको नुकसान देगा। हल्का सा नमक ले सकते हैं आप उसके साथ, और इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद, आप खाने के बाद पानी नहीं पियेंगे, 1 या 2 घंटे इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना। इसे 2-3 दिन लगातार खाने से आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। एक और इलाज है कि आप काला बांसा, अगर आपके घर के हेर फेर में कहीं मिल जाता है आपको काला बांस होता है, उसके पत्ते ला के उसको तवे पे जला लें, उसको भून लें, जलने के बाद उन पत्तों में शहद मिला के आप खाएं, तो उससे भी आपकी सूखी खांसी में राहत होगी। या फिर एक और तरीका है, एक काली मिर्च होती है बड़ी, जो कि आपको परचून वगैरह की दुकान पे इजीली मिल जाएगी, स्पाइसेस वगैरह में डालते हैं, काली इलायची बड़ी वाली, उसको आप भून लीजिए। उसके बाद उसके बीज निकाल के पाउडर कवर रहने दीजिए, बीज सिर्फ उन बीजों को शहद और मलाई के साथ खाएं, तो उससे भी आपकी सूखी खांसी में राहत होगी। फ्रेंड्स, आपको इन तीनों सलाह में से कोई भी एक करने से काफ़ी राहत मिलेगी। जिसे आप बोल देते हैं कुत्ते की तरह खांस रहा है, उस चीज़ में ये बहुत कारगर है। अब बात करते हैं गीली खांसी या फिर कफ जिसमें आता है। कफ वाली खांसी में आपने सबसे अचूक दवाई जो है वो है शहद। शहद और पानी मिला के अगर आप पियेंगे तो उसमें आपको हेल्प होगी। और ये ध्यान रखें कि शहद ओरिजिनल हो, ये नहीं कि आपने चीनी जला हुआ शहद भी मिलता है बाज़ार में, वो ना यूज़ करें, शहद और पानी मिला के पिए।